हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मार्च में जो वैकेंसीज निकल रही है, जो गवर्नमेंट जॉब्स निकल रहे हैं आप सभी के लिए, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिख रहा है कि मार्च में कितने प्रकार की जॉब्स निकली हैं आप सभी के लिए। तो यहां आपको अलग अलग जॉब्स मिल जाएगी। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज जो है आपको मार्च में मिल रही है वो 84,492 पोस्टों पर मिल रही है। तो एक बड़ी संख्या में जो है वैकेंसीज आपको मिल रही है। यदि ये वीडियो आपको फेंक लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको फेंक जानकारी नहीं दे रहे हैं। और मार्च में सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया निकली है, इसमें आपकी टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी 84,492 वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसमें आपकी योग्यता है 8वीं, 10वीं, 12वीं और डिप्लोमा आपने पास कर रखा है। आपके पास कोई भी जो डिप्लोमा डिग्री है तो आपको अलग से पोस्ट मिल रही है। यानी कि यदि आप 8वीं पास है तो यहां आपको 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज मिल रही है 8वीं पास के लिए। ये सभी के सभी जो है वैकेंसीज गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, स्थायी वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे जो SC से जो वैकेंसीज निकल रही है इसकी टोटल ऑफ नंबर पोस्ट कितनी है। तो यहाँ देख सकते हो 46,308 पदों पर जो है BPSC में पोस्ट निकली है। यदि आप BPSC में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। और यहाँ आपको ये जो वैकेंसीज मिल रही है रेगुलर बेसिस की मिल रही है, रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके लिए आपको आवेदन कब से कब तक करना है, तो आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि थी वो थी आपकी 11 मार्च। 11 मार्च से आवेदन स्टार्ट होंगे, 2 अप्रैल तक इस रिक्रूटमेंट में जो है फॉर्म आपके अप्लाई होंगे। टोटल वैकेंसीज है 46,308 है। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ यदि आपने PG, BEd, BPEd और BSc Ed आपने पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ आयु सीमा 58 वर्ष आपको देखने को मिल जाएगी। सैलरी आपको इसमें मिलेगी 35,000 रुपए प्रति महीना आपको इसमें वेतन मिलेगा। इसके बाद आपका इसमें होगा रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फाइनल कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल आपको यहां समझाई गई है। यदि आप इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हो एक ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, www.bpsc.bhi.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस रिक्रूटमेंट की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। यदि आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और यहां से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। यदि आप कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज है आपकी सुशासन विभाग से, और इसमें आपको टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज मिल रही है 24,797 पोस्ट आपको यहां मिल रही है। तो बंपर वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। यदि आप भी ग्रुप डी में शामिल होना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। और ये जो वैकेंसीज है आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिल रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वैकेंसीज मिल रही है। सभी वैकेंसीज स्थायी है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार आपको इसमें वेतन मिलेगा। यदि आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 24,797 पदों पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे इसमें आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 4 मार्च से इस रिक्रूटमेंट के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 मार्च, यानी कि 20 दिनों तक ये फॉर्म आपका अप्लाई होगा। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है आपको नहीं बताई गई है। 1 साल तक का कार्य अनुभव यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब किस चीज का अनुभव यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास सफाई कर्मचारी का यदि 1 साल का अनुभव है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप अनपढ़, यदि आपको इसमें बताया गया आपको हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। और इसके बाद यदि आप 8वीं, 10वीं, 5वीं जो भी पास है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां आपको मैंडेटरी बताया गया है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में आपको बताया गया है कि आपके पास 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए सफाई कार्य का। इसके साथ आयु 18 से लेकर 40 वर्ष आपकी इस रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिलेगी। पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार, यानी कि आपको इसमें प्रारंभिक वेतन जैसे कि आपके 2 साल जो प्रोबेशनल अवधि रहेगी इसमें 12,000 रुपए के शायद मिल सकता है। इसके बाद आपको इसमें 18,000 रुपए आज का जो पे मैट्रिक्स लेवल 1 है वो लागू हो जाएगा। इसके साथ सिलेक्शन बिना परीक्षा है, प्रैक्टिकल यानी कि क्लीनिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो नॉर्मली किसी प्रकार की एग्जाम नहीं है इन 24,000 पदों पर। ये जो 24,797 जो वैकेंसीज निकले इसमें किसी प्रकार की आपकी एग्जाम नहीं है, केवल आपके प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल के आधार पे जो है आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसीज है आपकी RPF की। तो RPF में भी बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। रेल्वे पुलिस में 4,660 पदों पर जो है वैकेंसी को निकाला गया है। यदि आप रेलवे पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, रेलवे में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, वर्दी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जॉब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके आवेदन स्टार्ट होंगे 15 अप्रैल से और 15 मई तक आपके आवेदन भरे जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चेक करना है, शायद पहले से फॉर्म अप्लाई हो जाए और लास्ट डेट जो है आपकी इसमें कम हो जाए। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जरूर विजिट करना है। और यदि आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, ये जो नगर निकाय सफाई कर्मचारी भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है आपको, isg.urban.rajasthan.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी आपको करना क्या, इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि बड़ी वैकेंसीज है, सभी अप्लाई करें। और
अभी तक संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे सबसे पहले आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जॉब डिटेल्स समझाई जाती है। इसमें आपको आरपीएफ की वैकेंसीज है, आरपीएफ की वैकेंसीज में भी आपको टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज 4,660 वैकेंसीज मिल रही है। 15 अप्रैल तक किसके आवेदन स्टार्ट होंगे। यदि आपने 10th पास कर रखी, ग्रेजुएशन की डिग्री यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप दो प्रकार की वैकेंसीज है, आपकी एसआई की वैकेंसीज है और कांस्टेबल की वैकेंसीज है। तो एसआई के लिए आपकी ग्रेजुएशन पास है और कांस्टेबल के लिए यहां आपकी 10th पास जो है इसमें योग्यता रखी गई है। आयु सीमा की यदि हम बात करें तो 18 से 28 वर्ष के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे और 21,700 से लेकर 35,400 रुपए पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेवल 1 है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स लागू होंगे, सभी स्टेट से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आरपीएफ में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आरपीएफ में जो आपका बेसिकली सिलेक्शन होता है वो आपको इसमें बताया, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी होगी, इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, शारीरिक मानक परीक्षा होगी और इसके बाद आपकी डीवी आएगी। इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आरपीएफ इंडियन रेलवे पुलिस .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस में भी बंपर वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, 4,127 पदों पर जो इस वैकेंसी को निकाला गया है और सॉरी यहाँ 4,187 वैकेंसी है। आपको आवेदन की जो शुरुआती तिथि है, जो आपको डेट आपको बताइए, 4 मार्च से इसके भी आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। नगर निकाय की जब रिक्रूटमेंट निकली थी उसी सेम डे इसके भी आवेदन स्टार्ट हो गए थे। 28 मार्च तक आवेदन आपके इसके भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन भरना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो यदि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीपीओ की वैकेंसी आपको मिल रही है, विशेष ध्यान रखना होगा। उम्र सीमा की यदि हम बात करें तो 20 से लेकर 25 वर्ष के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए पर मंथ आप इसमें सैलरी मिलेगी। तो ऑलरेडी आपको यहाँ सैलरी अच्छी मिल रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन टीयर 1 है, जो सीबीटी रिटर्न एग्जाम है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका और इसके बाद आपकी नॉर्मली जो डिग्री जारी होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो हो जाएगा। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप यहां से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है आपकी बिहार बिजली विभाग में, तो यहां भी आपको काफी सारी वैकेंसीज मिल रही है। इस पे आपको 2,610 वैकेंसीज मिल रही है, 2,610 वैकेंसीज आपको यहां मिल रही है। आवेदन की तिथि है इस रिक्रूटमेंट की वो है आवेदन की प्रारंभिक तिथि 1 अप्रैल 2024 से आवेदन स्टार्ट होंगे और 30 अप्रैल तक आपके इस रिक्रूटमेंट के आवेदन सबमिट होंगे। और इसमें आपकी योग्यता है, यदि आपने 10th पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष है, वेतन आपको मिलेगा 9,200 से लेकर 58,600 रुपए पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। बात करें सिलेक्शन की तो रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आपकी यूपीएससी ESICC से, और ये जो वैकेंसी है बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट से है और इसमें 1930 वैकेंसी आपको मिल जाएगी। 1930 पदों पे जो इस वैकेंसी को निकाला गया है, यानी कि 1930 पदों पे आवेदन करने की जो तिथि है वो 7 मार्च से स्टार्ट हो गए थे, 27 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, 1 वर्ष का आपके पास अनुभव है तो आप इस रिक्रूटमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सैलरी की तो 44,980 इसमें आपका वेतन स्टार्ट होगा, 1,42,400 रुपए प्रति महीना आपको इसमें वेतन मिलेगा। बात करें लिखित इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट वगैरह, मेरिट लिस्ट आपकी जो है जारी की जाएगी, डीवी आपकी जारी की जाएगी। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का ये फॉर्म, नर्सिंग स्टाफ का, तो upsconline.in पे आपको जाना होगा। तो ये आज की लेटेस्ट वैकेंसीज की नोटिफिकेशन है जो मार्च 2024 में रिलीज हुई है। आप टोटल जो कर सकते हैं कि यहाँ कितनी वैकेंसीज मिल रही है, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, 930 वैकेंसीज जो है आपको मिल रही है यहाँ, और शिक्षक की वैकेंसीज मिल रही है, सफाई कर्मचारी की वैकेंसीज मिल रही है, दिल्ली पुलिस में आपको मिल रही है, और भी काफी सारी वैकेंसीज है, छत्तीसगढ़ पुलिस में, झारखंड पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में, हरियाणा पुलिस में काफी सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।